गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल हरिश्चंद मैथ क्लास में। आज मैं आपको लासा और मासा एलसीएम और एचसीएफ कराने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं और हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं समझा दूँ एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ, देखिए लासा को बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, और इसको बोलते हैं एचसीएफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि 24 और 15 दिया हुआ है, ठीक है, 24 और 15 दिया हुआ है, आप इनका लासा निकालो तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो 120। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मासा निकालिए तो मासा भी आप निकाल सकते हो, कितना आएगा 3, क्योंकि दोनों किससे डिवाइडेबल है 3 से। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के लासा मासा जो आते हैं वो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन लासा मासा का जब पैटर्न बढ़ जाता है और जब क्वेश्चन अपॉन में आ जाते हैं तो लासा पूछ लेता है कभी कभी और मासा भी पूछ लेता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। चलिए तो समझते हैं क्वेश्चन और एक एक करके सभी पैटर्न को समझेंगे। ये मैं पूछ लेता हूँ 3/4, 5/12 और 6/12 का मासा निकालिए। देखिए जब एक एक वैल्यू होती है, अंश होता है केवल, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी अपॉन में वैल्यू दे रखी हो, मतलब पी क्यू की फॉर्म में, और तब हमसे पूछ लें मासा या लासा बताइए। देखिए अगर पूछ रहा है मासा तो आप ऊपर वाले का क्या निकालोगे मासा, ठीक है, और नीचे वाले का लासा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मासा पूछ रहा है तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, अगर लासा पूछ रहा है तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। तो पहले मैं मासा को समझाता हूँ। देखिए मासा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मासा, और मासा कैसे निकालते हैं, कोई ऐसी कॉमन वैल्यू लीजिए जिसका इन तीनों में डिवाइड जा रहा हो। देखिए 3 का 3 में नहीं जा रहा, 2 का 3 में नहीं जा रहा, 5 का 3 में नहीं जा रहा, लेकिन 1 है जिसका 3 में जा रहा है, तो ऊपर मासा कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ मासा की। ठीक है, तो मासा नीचे वाले का मासा निकालना है, तो देखिए ध्यान से, अब 4 का डिवाइड 12 में जा रहा है, 4 हट गया यहाँ से। ठीक है, 12 का डिवाइड 24 में जा रहा है, 12 हट गया, तो मासा लासा कितना हो जाएगा नीचे 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 1/24। ठीक है, अब मैं इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन दे दे आपको 12/15, 16/10 और 20/24 आपको दे दे 25। ठीक है, और आपसे पूछ ले लासा, क्या पूछ ले लासा, तो देखिए आप क्या करोगे। मैंने कहा था जब मासा की बात करता है तो ऊपर वाली वैल्यू का मासा और नीचे वाली का लासा, ठीक है, क्योंकि पहले ऊपर वाले आती है तो पहले वही करना पड़ेगा हमें। अब पूछ रहा है लासा, तो देखिए ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का क्या निकालेंगे मासा, तो ऊपर का लासा निकालिए। ठीक है, लासा निकालने के देखिए 12 का तो इसमें जा रहा है, ठीक है, 24 में, तो 12 क्या होगा हट जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 24 और 16, अब 24 का डबल करके देखते हैं हम, पहले 16 का डबल करते हैं, या बड़ी वैल्यू को ज़्यादातर देखिए, बड़ी वैल्यू कौन सी 24, लासा निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 24 को जब हम डबल करेंगे तो कितना होगा 48, अब देखते हैं 16 का 48 में जा रहा है कि नहीं, तो 48 में जा रहा है, तो इसका मतलब लासा कितना होगा 48। ठीक है, अब लासा पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, ऊपर का लासा और नीचे का क्या निकालेंगे मासा, तो मासा देखिए तीनों में ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका डिवाइड जा रहा है, 5 का इसमें जा रहा है, 5 का इसमें जा रहा है, 5 का इसमें, तो नीचे कितना आ जाएगा 5, तो आंसर आ गया आपका 48/5। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर सिंपली पूछ लेता है और रेलवे में ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो लैंग्वेज वाला पहला क्वेश्चन समझते हैं, और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 15 और तथा 300 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बताना चाहता हूँ फॉर्मूला, जैसे मैं कहूँ कि पहली संख्या, ठीक है, इनटू दूसरी संख्या, ठीक है, इसमें मैंने संख्या नहीं लिखा, यहाँ लग दिया, पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है लासा इंटू मासा। ठीक है, लासा इंटू मासा, आपको क्या करना है, यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या और लासा इंटू मासा, ठीक है, बराबर होती है। अब देखिए वो कह रहा है कि लासा और मासा जो दे रखे वो 15 और 300 दे रखे और एक संख्या दे रखी 60, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूले में रखना है। तो पहली संख्या
दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 60, दूसरी नहीं दे रखी उसको आप बी मान सकते हैं, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी बराबर एल सी एम इंटू एस एम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या दी हुई है 60, दूसरी दी हुई है नहीं, वो पूछी है तो हम बी मान लेंगे, ठीक है, बराबर। उसके बाद लासा कितना दिया हुआ है 300 और मासा कितना दिया हुआ है 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड में चला दे, देखिए मल्टीप्लाई अगर हम पहले कर लेते हैं तो काटने में हमें प्रॉब्लम होगी और वैल्यू बड़ी हो जाएगी, वो इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में रहता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी बराबर हो जाएगा 300 इंटू 15 बटे 60, तो 15 से ये 4 बार क्रॉस होगा, ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 20, तो दूसरी जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 75, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 75, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन और समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं और ध्यान से समझिएगा इसको। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, उनमें से मासा जो है वो 8 है, तो उन संख्याओं का लासा बताइए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है वो 1280 है, मासा 8 है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है गुणनफल, भाई दोनों संख्याओं का क्या है यहाँ पर गुणनफल है, पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब गुणनफल मल्टीप्लाई लग रहा है, वो दे रखा है टोटल दोनों का, अलग अलग नहीं दिया हुआ कि पहली संख्या ये है या दूसरी संख्या वो है। तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 1280, मतलब इस जगह पर जो गुणनफल इनका आता, मैं कहूँ 4 इंटू 6 का गुणनफल कितना है 24, उसी प्रकार से दो संख्या का गुणनफल कितना है 1280, ठीक है, बराबर। एलसीएम आपसे पूछा है और क्या निकालना है, आप क्या दे रखा है आपको, एससीएफ, एससीएफ कितना दे रखा है 8, मतलब मासा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड दे देंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा 1280 बट्टा 8, ठीक है, 8 से डिवाइड देंगे तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 0 का 0, तो इसका जो एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 160, यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन हम अब अलग टाइप का थोड़ा समझते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात हैं, यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा बताइए। देखिए दो संख्याएं जो हैं वो कह रहा है कि दो संख्याएं, मैं मान लेता हूँ एक ए है और एक बी है, वो कह रहा है दो संख्याएं जो हैं वो क्या है 3 और 4 के अनुपात में है, किसके अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात, ठीक है। अब उनका जो अनुपात दे रखा है संख्याओं का और उनका जो दिया है वो क्या दिया है उन्होंने, मासा दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर लासा दिया होता तो हम इन दोनों रेशियो वाली नंबर्स का लासा निकाल लेते, अगर मासा दिया होता तो हम इन दोनों नंबर्स का मासा निकाल लेते, ठीक है। तो अब मासा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों का मासा निकालेंगे, तो 3 और 4 का मासा आएगा आपका 1, ठीक है। अब जो 1 जो मासा आया है वो किसके मासा के बराबर है, 4 के, ठीक है। ये जो मासा निकाला हमने रेशियो का वो हमने निकाला है और क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने दिया है वो 4 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है वो 4 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का 4 में डिवाइड देंगे तो 4 ही आएगा, तो इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, और इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16, ठीक है। और इसका अगर हमसे क्या पूछा है, लासा पूछा है, तो हम क्या करेंगे 12 और 16 का लासा निकाल लेंगे, आ जाएगा 48, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 48 होगा। अगर आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप इन दोनों का लासा निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 12, और जो डिजिट हमारी यूनिट डिजिट जो आई है 4, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, तो ये आ जाएगा आपका 48। आप कैसे भी कर सकते हैं वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं आज एलसीएम एससीएफ का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन है आपका, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संख्या दी हुई है आपकी 4, 6, 8, 12 और 16, मतलब इन संख्याओं का कह रहा है कि 16 से भाग देने पर तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, मतलब इन संख्याओं का ऐसी कौन सी संख्या है, इन संख्याओं का अगर एक एक करके भी डिवाइड दिया जाए तो हमेशा क्या शेष बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो शेष क्या बच रहा है यहाँ पे, शेष की बात कर रहा है आपसे 2 की, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे,
हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना है, लासा, ठीक है। और लासा कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए चार को देखेंगे सबसे पहले, चार का किसी में डिवाइड जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा लेकिन इसमें जा रहा है, तो यहाँ से चार क्रॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं छः, छः का इसमें जा रहा है, नहीं इसमें जा रहा है, हाँ तो छः भी गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आठ को देखेंगे, आठ का इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है, आठ का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये भी हट गया। अब हमारे पास केवल दो वैल्यू बची, बारह और सोलह, कितना बचा, बारह और सोलह, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, बारह जो बारह वैल्यू है, ठीक है, वो छोटी है, और सोलह कौन सी है, बड़ी है। तो अब बड़ी का डबल करके देखिए, बत्तीस, देखते हैं बत्तीस में बारह का जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। सोलह का फिर ट्वेल्व करते हैं, मतलब तीन में मल्टीप्लाई करेंगे, सोलह तीन कितना हो गया, अड़तालीस, बारह का अड़तालीस में जा रहा है, तो इसका जो लासा जो आएगा वो आएगा आपका अड़तालीस, अड़तालीस आ गया। अब देखिए वो कह रहा है शेष दो बचता है, देखिए चार का डिवाइड देंगे तो नहीं बच रहा, इसका पूरा जा रहा है, 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 ठीक है। लेकिन दो कब बचेगा, तब इस दो शेष को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 50। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 50। तो 50 ऐसी वैल्यू है कि इन सब का अगर एक एक करके भी डिवाइड दिया जाए तो हमेशा क्या बचेगा, शेष दो बचेगा, ठीक है। इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। लेकिन समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।